तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं लखनऊ में, जहां पर काफ़ी बड़ी ये मार्केट है जिसमें काफ़ी सारी पूजन सामग्री की दुकानें हमें देखने को मिली हैं। लखनऊ में एक ऐसा मंदिर है जो मुगल काल से ही हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों ये है इटावा के लखनऊ में स्थित सिद्ध पीठ माँ कालिका देवी मंदिर, जिसे लखनऊ वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का एक पहलू यह भी है कि इसके परिसर में सैयद बाबा की दरगाह भी स्थापित है और तो दोस्तों ये हैं वो तीन रहस्यमय दरवाजे जो इस मंदिर परिसर में मौजूद हैं। दोस्तों एक और खास बात है जो इस मंदिर से जुड़ी हुई है, वो ये है कि इतने भव्य तीन मंजिला मंदिर का फर्श आज भी कच्चा है। दोस्तों नमस्कार, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। और आज मैं जाने वाला हूं उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लखनऊ में। लखनऊ में एक ऐसा मंदिर है जो मुगल काल से ही हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। उस मंदिर परिसर के अंदर एक सैयद बाबा की मजार भी बनी हुई है और ऐसी मान्यता है कि कालिका देवी के उस मंदिर में देवी की पूजा करने के बाद अगर आप उस मजार पर सिर नहीं झुकाते हैं तो आपकी जो मन्नत है वो पूरी नहीं होती है। तो इस तरह की कुछ विशेष मान्यता है उस मंदिर को लेकर, उनके बारे में पता लगाते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो को लाइक कर दीजिए शुरू में, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों सामने ये जो रोड है ये इटावा जाने वाला मार्ग है। हम अभी भिंड इटावा वाले रोड पर हैं और सामने ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं उसके बाद है यमुना नदी, और यमुना नदी के पुल से ठीक पहले राइट साइड में ये हाईवे है कानपुर ग्वालियर बाईपास, जो कि आगे जाकर इटावा कानपुर हाईवे को कनेक्ट करता है और हमें इसी हाईवे से आगे बढ़ना है। तो हम कानपुर ग्वालियर बाईपास पर मुड़ चुके हैं और यहां से आप कानपुर के अलावा लखनऊ और प्रयागराज के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन हमें यहां से इटावा कानपुर हाईवे में कनेक्ट करके पहुंचना है बकेवर में, जो कि यहां से करीब 24 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस हाईवे पर आगे बढ़ते हुए आपको आगे जाकर ये एक तिराहा मिलेगा, जहां सामने एक ये बड़ी सी चिमनी है, ईंटों का भट्टा है। यहां से रास्ते हैं दो, एक लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में है, और दोनों ही रास्ते लखनऊ की तरफ जाते हैं। जो लेफ्ट वाला रास्ता है वो जाता है हाईवे से होते हुए, और जो राइट वाला रास्ता है वो जाता है अंदर गांव से होते हुए। जो राइट वाला रास्ता है वहाँ से आपकी दूरी पड़ेगी 18 किलोमीटर, और अगर आप हाईवे से जाते हैं लेफ्ट साइड से होते हुए वहाँ से पड़ेगा आपको लगभग यहाँ से 23 किलोमीटर। तो जो भी आपको ठीक लगता है वहाँ से आप जा सकते हैं। बाकी रास्ते दोनों ही बढ़िया हैं, इधर से हाईवे का रास्ता है लेफ्ट साइड से और राइट साइड से गाँव के अंदर से होकर रास्ता है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इटावा कानपुर हाईवे पर, जहां पर ये रास्ता गया है इटावा की तरफ और यहां से रास्ता गया है कानपुर की तरफ, और हमें इसी तरफ बढ़ना है। दोस्तों कानपुर ग्वालियर बाईपास से इटावा कानपुर हाईवे पर करीब 16 किलोमीटर आगे आने के बाद राइट साइड में ये रास्ता गया है बकेवर की तरफ, जहां से आपको बकेवर के मेन चौराहे पर पहुंचना है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं बकेवर में, जहां पर आपको ये बड़ा सा चौराहा देखने को मिलेगा, काफ़ी बड़ी मार्केट है, और यहाँ से ये रास्ता गया है लखनऊ के लिए। सामने ये माँ केमिस्ट एंड सर्जिकल, एक बड़ा सा मेडिकल है यहाँ पर, इसी के ठीक बगल से ये रास्ता गया है लखनऊ के लिए। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं लखनऊ शहर में, सामने आप बोर्ड पर देख सकते हैं।
आगे से राइट में रास्ता गया है चकर नगर के लिए। दोस्तों लखनऊ में प्रवेश करने के बाद थोड़ा आगे आने के बाद आपको ये इस तरह का तिराहा देखने को मिलेगा। सामने एक बिल्डिंग है, यहाँ से राइट में रास्ता गया है चकर नगर की तरफ जहाँ ये ट्रक जा रहा है, और यहाँ से सीधा जाएंगे आप तो आप पहुँच जाएंगे उस मंदिर पर जो कि यहाँ पर मौजूद है श्री कालिका देवी के नाम से। तो बढ़ते हैं आगे सीधा मंदिर की तरफ। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं लखनऊ में, जहां पर काफ़ी बड़ी ये मार्केट है जिसमें काफ़ी सारी पूजन सामग्री की दुकानें हमें देखने को मिली हैं। और इसी के साथ ये है लखनऊ का वो फेमस मंदिर जो कि लखनऊ के साथ साथ देश के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। तो दोस्तों ये है इटावा के लखनऊ में स्थित सिद्धपीठ मां कालिका देवी मंदिर, जिसे लखनऊ वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये मंदिर शहर के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है, और आज कोई विशेष दिन भी नहीं है, फिर भी यहाँ पर इतनी संख्या में श्रद्धालुओं को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मंदिर वाकई में कितना फेमस है। तो यह है इस मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। बढ़ते हैं अंदर और बताते हैं आपको इस मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। उत्तर प्रदेश में इटावा के महोबा विकास खंड के लखनऊ में कालिका देवी का मंदिर मुगल काल से ही हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहा है। द्वापर युग के महाभारत काल के इतिहास को आलिंगन किए ऋषियों की तपोभूमि यमुना चंबल सहित पांच नदियों के संगम पर बसी ऐतिहासिक नगरी लखनऊ में स्थापित मां कालिका देवी का मंदिर देश के कोने कोने में प्रसिद्ध है। देश के नौ सिद्ध पीठों में से एक इस मंदिर का एक पहलू यह भी है कि इसके परिसर में सैयद बाबा की दरगाह भी स्थापित है, और ऐसी मान्यता है कि दरगाह पर सिर झुकाए बिना किसी की मनोती पूरी नहीं होती। ये देखिए दोस्तों, ये वो दरगाह है जो इस मंदिर परिसर में मौजूद है, और इसके बारे में ऐसी मान्यता है कि कालिका देवी की पूजा के बाद इस दरगाह पर सिर झुकाए बिना किसी की मनोती पूरी नहीं होती। चैत्र तथा शारदीय नवरात्रि में यहाँ बड़ा मेला लगता है, जिसमें देश के दूर दराज से आए श्रद्धालु अपनी मनोती मांगते हैं तथा कार्य पूर्ण होने पर ध्वजा नारियल प्रसाद और भोज का आयोजन श्रद्धा भाव से करते हैं। तो दोस्तों ये हैं वो तीन रहस्यमय दरवाजे जो इस मंदिर परिसर में मौजूद हैं, जो कि साल में केवल एक ही बार खुलते हैं, और बाकी साल भर श्रद्धालु इन्हीं दरवाजों के सामने पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। दोस्तों इस मंदिर परिसर में इस तरह के ये काफी बड़े बड़े दो ढोल भी रखे हुए हैं, जिनका इस्तेमाल किसी विशेष मौके पर किया जाता है। इस मंदिर का निर्माण राजा राव जसवंत ने करवाया था, जो कि यमुना नदी के पार कंधेसी धार में स्थापित आदिशक्ति कालिका देवी के भक्त थे, और वे रोजाना माता के दर्शन के लिए नदी पार करके जाते थे। एक दिन नदी में बाढ़ की वजह से राजा ने कालिका माँ के दर्शन नहीं कर पाने से परेशान होकर अन्न जल त्याग दिया था,
और उनकी इस भक्ति को देखकर माता ने खुद सपने में आकर बताया कि वो परेशान ना हो, मैया अब खुद उनके लखनऊ राज्य में विराजमान हो जाएंगी और उन्हें लखनऊ वाली मैया के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद राजा जसवंत राव ने 400 फुट लंबे, 200 फुट चौड़े और 3 मंजिल वाले इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया। दोस्तों, एक और खास बात है जो इस मंदिर से जुड़ी हुई है, वो ये है कि इतने भव्य 3 मंजिला मंदिर का फर्श आज भी कच्चा है। दरअसल उसका कारण यह है कि जब यह मंदिर बनवाया जा रहा था तब यह वसीयत की गई थी कि इसका फर्श हमेशा कच्चा ही रखा जाए, और इसीलिए आप देख सकते हैं आज भी इस फर्श पर मिट्टी और गोबर से लेप किया जाता है। यह मंदिर देश के करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था का केंद्र तो है ही, इसी के साथ इस मंदिर पर दर्जनों दस्यु सम्राटों ने ध्वज पताकाएं चढ़ाई हैं, जिनमें मोहर सिंह, मान सिंह, फूलन देवी, निर्भय गुर्जर तथा मलखान सिंह जैसे दस्यु सम्राट शामिल हैं, जिन्होंने निडर होकर पुलिस के रहते ध्वज चढ़ाकर मनौती मानी है। तो दोस्तों, ये थी इटावा के लखनऊ में स्थित कालिका देवी मंदिर से जुड़ी कुछ जानकारी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जगह के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।